हेलो दोस्तों, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। हमें अगर बादाम या अखरोट को तोड़ना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक नटक्रैकर, एक हथौड़ी या फिर एक हैंड ग्रेनेड? सुनने में ये बात चाहे मजाक लगे, लेकिन चीन के एक व्यक्ति ने असल में अखरोट तोड़ने के लिए एक हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। वो भी एक बार नहीं, एक दो दिन नहीं, एक दो साल भी नहीं, बल्कि पूरे 25 साल तक। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि जिसे वो अखरोट तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो असल में एक हैंड ग्रेनेड है, और वो भी जिंदा। चीन के शांक्षी प्रांत में रहने वाले इस शख्स के अनुसार ये ग्रेनेड 1980 में उसके एक दोस्त द्वारा उसे दिया गया था, और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ये चीज़ असल में है क्या, और उसे ये अखरोट तोड़ने के लिए काफ़ी सही लगा तो उसने इसका ऐसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये ग्रेनेड मूल रूप से जर्मन सेना द्वारा इजाद किया गया था, और इस ग्रेनेड को स्टिक ग्रेनेड या पोटैटो मैशर भी कहा जाता है। इस ग्रेनेड का सबसे पहले पहली विश्व जंग में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस चीनी व्यक्ति को इसके बारे में तब पता चला जब उसने इस ग्रेनेड की फ़ोटो एक सरकारी इश्तिहार में देखी जो प्रतिबंधित असले के बारे में था। इसके तुरंत बाद ही उसने ये ग्रेनेड पुलिस के हवाले कर दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन 25 सालों में ये व्यक्ति कितनी बड़ी मुश्किल को अपने पास रखे हुए था, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल फोटो लवर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।